लोगों की मीटिंग रही सक्सेसफुल और आप लोगों के यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई? सुप्रभात दोस्तों, सुबह की शुरुआत फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर एज यूजुअल मेरा खाना बन रहा है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। और आज क्या हुआ ना, जब मैंने सुबह फ्रिज खोला तो फ्रिज में मैंने देखा ये, मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या है ये। तो इसको खोला तो दिल खुश हो गया, ये शायद इन लोगों को कल पार्टी में गए थे ना तो वहाँ से ये रिटर्न मिला है। तो खुद ही मोबाइल चलाओ और खुद ये चीज़ें करो ना तो मुश्किल होती है। खुल गया तो उसके अंदर है ये स्वीट्स जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे मिक्स जो होती है ना, मिक्स स्वीट्स, ये बहुत पसंद, अच्छी लगती हैं। तो ये है, अब इसको तो मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है। देखने में काफ़ी टेस्टी है और अच्छी क्वालिटी की लग रही है, तो इसको मैं बाद में खाऊंगी। फिलहाल अपनी ड्यूटी कर लेती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इन लोगों की पिक्चर, कल इन्होंने खिंचवाई होगी ना, अच्छी लग रही है। तो ये फ्रेम बना करके इनको दिया है। तो चलिए फिर, शुरुआत अच्छे से हो गई है आज के दिन की। अब धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा सब मैं इसमें शेयर करती जाऊंगी। और आज एक मीटिंग के लिए भी जाना है मुझे। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट नहा करके बाथरूम से बाहर आई हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और तो बस उसी के लिए मैं फटाफट रेडी होती हूँ। 9:30 हो चुके हैं और 10:30 हम लोगों को वहाँ पहुँचना था, तो मैं जल्दी जल्दी बस अब तैयार होती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मीटिंग में क्या हुआ, किस चीज़ की मीटिंग थी, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहना। मैं सोच रही हूँ कि ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ क्योंकि गर्मी में सही रहती है ना, खुला खुला रहता है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें अंदर से निकाली है ना, तो इसका हाल देखो, इसमें प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रेस भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मैं प्रेस करके और एकदम चकाचक होकर आपसे मिलती हूँ। निकल चुकी हूँ घर से जाने के लिए मीटिंग में। पीछे देखिए सीमा आ रही है। तो प्रेस व्रेस मैंने कर ली थी लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इसे प्रेस करने में क्योंकि कॉटन में ना बड़ी दिक्कत होती है आयरन करने में। और मैंने इयररिंग्स भी मैचिंग पहने हैं, मुझे मैचिंग चीज़ें पहनने अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अब हमेशा की तरह वैशाली मेट्रो और फिर वहाँ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन। हमें जाना है मदर डेयरी साइड। तो हम लोगों ने ये बैटरी रिक्शा किया है यहाँ से और आज मौसम बहुत बढ़िया है तो ठंडी ठंडी हवा के साथ मज़ा आ रहा है सफर। ब्लैक कलर की इतनी सारी लगी है, आपने लगाई है ये सारी? जी देखो वो भी पहाड़ी वो है। बहुत ही ब्यूटीफुल है इनका पूरा गार्डन, गार्डन में क्या वो कहीं नहीं है। ये वाला है ना, ये हरा वाला साइड वाला नींबू है, ये इधर वाला जो है ना वो है जो चाइनीज संतरा टाइप। तो हम लोगों की मीटिंग रही सक्सेसफुल और बहुत जल्दी बताऊंगी कि किस चीज़ की मीटिंग थी। पीछे रीना दीदी आ रही है स्कूटी में। कैसे आएंगे हम लोग? नहीं आ पाएंगे इसमें, मैं तो फिर भी आ जाऊंगी, सीमा नहीं आ पाएगी। चलो बाय, ठीक से आना। आज ये अच्छा था, मौसम बढ़िया था। तो अब अगेन घर की तरफ। अभी है हम लोग किसी सोसाइटी में, या दिल्ली की कोई सोसाइटी है, वहीं हम लोगों की मीटिंग थी। तो अब घर जा रहे हैं। दिल्ली आके मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, अपना मन सा लगता है क्योंकि बहुत साल यहीं रहे ना। दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए झमाझम बारिश हो गई है आज। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ तो नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन ये है कि मौसम में काफ़ी गिरावट आ गई टेम्परेचर में और बारिश हो रही है, खुशबू आ रही है। मैं छत में हूँ ना तो मिट्टी में ये बारिश की वजह से, जब गर्म बहुत दिनों की जो मिट्टी होती है गर्मी से, उसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना तो जो खुशबू आती है ना, आ हा हा वही खुशबू आ रही है।
और दिल्ली में बारिश होना मतलब ये लगा लो दिल्ली वालों के लिए अंधे की आंखों में रोशनी के समाने, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली वालों के लिए तो अगर इस गर्मी के मौसम में थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। और मेरी तो मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी मेरी गाँव में रहती है ना, गाँव में रहती नहीं है मीन्स अभी आजकल गाँव गई हुई है, तो उनसे बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो वो दिखा रही थी इतना वहाँ पर ठंड हो रही है और उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा कल बारिश हुई है, तूफान आया है, तो वहाँ पर तो लोग रजाई वजाई ले रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छा हो गया। और ये देखिए ये वेदर बिल्कुल, और अभी मुझे लग रहा है और बारिश आएगी, ये तो मैंने थोड़ी सी बारिश दिखाई, अभी और बारिश आने वाली है। अगर तेज़ बारिश आई ना तो मैं तो नहाऊंगी बारिश में और हो सके तो वीडियो भी बनाऊंगी आप सबके लिए। तो ये देखिए आप लोगों के यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई, कैसा हो गया मौसम आज की खबर में? बहुत बारिश होने वाली है इस दिन, और मैं अर्णव रावत रिपोर्टर। इस दिन नहीं, देखो बिजली कड़क, इस दिन नहीं बेटा, आज का दिन तो गया। हाँ लेकिन ये है कि रात भर आज बारिश होगी, आज पूरे रात भर बारिश होगी, तो स्टे सेफ एंड वॉच आज तक। ये भगवान, ये माता रानी, ये मेरे सानी, अभी देखना 3 2 1। अरे बाप रे, बोला था गेस्ट इट, ये आपका भीगे तो नहीं, बारिश हो रही थी ना, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर से आया ना, बाहर ठंडा हो रहा है, अंदर थोड़ा सा गर्म गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कह रहा है कि आज वो स्पोर्ट्स वाले टीचर ने ना ज्यादा रनिंग करवा दी तो पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मैं लेट करके पढ़ाई कर लूँ। स्कूल वाले? स्कूल नहीं, स्पोर्ट्स क्लास वाले।